तो गाइस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब भी आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट करने जाते हैं तो जैसे ही गूगल में सर्च करते हैं पीएम किसान, वैसे ही आप लोग को कुछ इस तरीके से लिख करके आ जाता है द सर्विस इज अन अवेलेबल। तो देखो केवाईसी तो आप लोग का हो ही जाएगा, लेकिन केवाईसी करने का जो शेड्यूल है, टाइम है और तरीका है, वो देखो चेंज करना पड़ेगा। तो उसी समय तरीका और जो शेड्यूल है आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कब ट्राई करें और कितने बजे ट्राई करें जिससे आप लोग का ई केवाईसी कंप्लीट हो जाए। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग CSC कॉमन सर्विस सेंटर से या फिर आप नॉर्मल गूगल से वेबसाइट को ओपन करके करेंगे, फिर भी आप लोग के सामने यही इशू आ रहा होगा द सर्विस इज अन अवेलेबल। तो आप लोग को मैं बता दूँ कि देखो आज पहले मिलता क्या था कि 3 माह में 2000 रुपये मिलता था, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि नहीं 4000 रुपये दिया जाएगा, तब से देखो यार आप लोग देख सकते हो कि लोग 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक लोग ट्राई कर रहे हैं रात में कि मेरा हो जाए हो जाए। क्योंकि देखो जो बायोमेट्रिक बेस पर है, बायोमेट्रिक बेस पर यानी अंगूठा लगा करके, तो ये काम नहीं कर रहा है सिस्टम, हर किसी के पास नहीं है, इसलिए सभी लोग इसमें आधार OTP के जरिए ही काम करना चाहते हैं, ठीक है, कि आधार OTP के जरिए ही हो जाए और इसी से हो भी रहा है, ठीक है। इसलिए लोग 2 बजे रात तक ट्राई कर रहे हैं ताकि मेरा बस केवल OTP फील हो जाए, OTP आ जाए और मेरा जो है EKYC कंप्लीट हो जाए। तो गाइस इस तरीके से 12 बजे तक 1 बजे रात तक बहुत ज़्यादा इस वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक मतलब आ जा रहा है, और सुबह से ही लगभग 4-5 बजे से ही इस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है और लगभग रात में 1-1.5 बजे तक इस पर ट्रैफिक रहता ही रहता है, जिसकी वजह से इसमें हमेशा ये प्रॉब्लम लिख करके चला आता है द सर्विस इज अनअवेलेबल। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने जब वेबसाइट इसका बनाया था, जब होस्टिंग वगैरह इस पर मतलब लिया गया होगा, ठीक है, तो इस पर मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक को ले करके मतलब कि नहीं किया गया होगा कि जो वेबसाइट है इतना ज़्यादा बियर कर सके, इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले सके, ठीक है। तो इस वजह से द सर्विस इज अनअवेलेबल का इशू आ जा रहा है। तो अब देखिए अब बात करते हैं कि आप लोग को कब इसमें EKYC कम्प्लीट करना है। तो देखो यार रात में 2 बजे से लेकर के आप लोग 4 बजे के बीच में, ठीक है, यानी कि 2-3 घंटे ही मात्र आप लोग को टाइम मिलेगा जिसमें जो वेबसाइट पर ट्रैफिक है वो बहुत ही कम रहेगा और आप लोग अपना EKYC कंप्लीट कर सकते हो। देखो मैं खुद का तो नहीं है कि मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा का है और मैंने किया है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी इसमें वो मेरा नहीं है, ठीक है, मैंने किया है, मेरा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे का ही जो टाइम है वो ट्रैफिक फ्री रहता है, ट्रैफिक उतना नहीं रहता है, इसलिए आप लोग इस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो अब दूसरी बात बात कर लेते हैं कि दिन में आप तो कहोगे कि कहीं कहीं पर तो OTP के जरिए हो जा रहा है। तो देखो यार अगर ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन किस तरीके से है। अगर मान लीजिए मोबाइल से है तो मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कंटिन्यूसली नहीं रहता है, वो फ्रिक्वेंटली आता है, कम बेसी होता रहता है, जिसकी वजह से वेबसाइट जो है मतलब कि ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ठीक है, लैंडलाइन कनेक्शन है, तो उसके पास तो 20-22 MBPS का स्पीड आता है, ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो उसके पास अगर वो KYC करने के लिए ओपन करता है साइट को तो उसके पास जल्दी से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यही अगर आप मोबाइल से की KYC करने के लिए ओपन करेंगे तो उसके लिए आपके पास जो है ओपन नहीं होगा और द सर्विस इज अनअवेलेबल का इशू आ जाएगा। लेकिन मैंने जो आप लोग को टाइम और शेड्यूल और तरीका बताया है उस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आप लोग का EKYC कम्प्लीट हो जाएगा और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना EKYC कंप्लीट कर सकते हो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़रूरी एक बार ट्राई करना और आप लोग का जरूर EKYC हो जाएगा। और आप लोग को डेट तो पता ही होगा कि लास्ट डेट है 31 मार्च है, ठीक है, तो आप लोग इसमें ज़रूर ट्राई करना। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।